लीजिए, मैं धर्मेंद्र दिग्गज मुबारकपुर छचैना एटा एक गजल आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं राठौर वीडियो चैनल के माध्यम से, जिसके रिकॉर्डिंग करता हमारे बड़े भ्राता ब्रजमोहन राठौर साहब जी, और इस समय पैड पर संगति कर रहा है हमारा बेटा चंदन दीवाना। वैसे गुरुओं की कृपा हुआ करती है शिष्यों पर, मैं तो यही कहूंगा। एक कलयुग में ऐसा शिष्य हुआ है जिसने धर्मेंद्र दिग्गज का नाम दुनिया में रोशन किया है, तो वो है चंदन दीवाना। दुनिया के कोने कोने में गजलों को पहचाने वाला हमारा चैनल राठौर वीडियो कुरावली। चलते हैं एक गजल आप लोगों की सेवा में। देखिए, लोग हमको पूछा करते हैं कि दिग्गज जी आपकी उम्र है 40 साल की और गजलें गाने का शौक चढ़ा है, गजल का मतलब क्या होता है। बहुत वीडियो वायरल हुए उसमें भी पूछा गया, जो गजल को जानता है वो गजल ही हो जाता है। ज्यादा कुछ बात ना कहते हुए हमारे दादा पांडे जी मैनपुरी से नाल पर संगति कर रहे हैं, और हमारे नरवेश भैया प्रेमपुर सरैया कन्नौज से इस समय नक्काड़े पर संगति कर रहे हैं। गजल के बोल सुनिए, गजल क्या कहती है। हमारे परम श्रद्धेय गुरुदेव स्वामी आधार चैतन्य जी, हमारी स्वामी जी से बात हुई, हमारे साथी कलाकारों ने बताया कि ये दिग्गज जी गजल बहुत गाते हैं, तो स्वामी जी ने मुझे एक बात बताई थी कि बेटा गजल एक दर्द होता है, और गजल मुझे बहुत अच्छी लगती है, बहुत अच्छी बात है, हमारा आशीर्वाद है, आगे बढ़ो। गजल एक दर्द होती है, और जिसके अंदर दर्द बसा होता है उससे पूछो कि गजल होती क्या है। सुनिए, जिंदगी गुजर जाए पर दोस्ती कम ना हो, याद हमें रखना चाहे हम पास ना हो, कयामत तक चलता रहे ये अरे प्यारा सा सफर। दुआएं करें कि रिश्ता ये कभी खत्म ना हो, चलते हैं नरवेश भैया। प्रेमी जब प्रेमी की याद में तड़पता है, तड़पता है तो कहता क्या है। न बजिए रुक रुक के चलती बैध बने, आ जाओ दिल बल। रुक के चलती बैध बने, आ जाओ दिलबर। उमर ये धोखे में जाती बैध बने,
न बजिए रुक रुक के चलती बैठ बने आ जाओ दिल बल तेरे सिवा मेरा कोई हम दर्द नहीं है अरे तेरे सिवा मेरा कोई हम दर्द नहीं है देख लिया तुम सा कोई बेदर्द नहीं है बजिए रुक रुक के चलती बैठ बने आ जाओ दिल बने सांसों को मिलती कोई अब हवा नहीं है को मिलती कोई दवा नहीं है तेरे सिवाय सकी अब कोई दवा नहीं है ये सारी हस्ती बैठ बने आ जाओ दिल बल न बजिए रुक रुक के चलती बैठ बने आ जाओ दिल बल और आगे क्या है बेटा कुंवरपाल अरे नैनों के बिंदु सकल तेरी दर्शाते नैनों के दो बिंदु सकल तेरी दर्शाते अशकों में देखो सदा तुम ही हर साते जिगर में
ये तन झुलसाया। बिरहा की अग्नि में जीवन भर तन झुलसाया। बात पित कपु ने बदन पे राज चलाया। इस गजल के लेखक हैं हमारे माँ साहब राज बहादुर राज खेरिया वाले। बात पित कपु ने बदन पे राज है पाया। ये दिग्गज कर रहा पिंती बैठ बने आ जाओ दिल बल। ये दिग्गज कर रहा पिंती बैठ बने ओए होए बैठ बने आ जाओ दिल बल। बैठ बन आ जाओ दिल बर।